गिनती की पुस्तक अध्याय 19 गिनती की पुस्तक अध्याय 19 लोथ आदि को स्पर्शजन्य अशुद्धता के निवारण का उपाय। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इसराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष न हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो, तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे, तब कोई उस बछिया को खाल मांस लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए और याजक देवदारू की लकड़ी जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद वह छावनी में आए परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े और वह राख इसराइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वह तो पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और यह इसराइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। जो किसी मनुष्य की लोथ छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन आपको पाप छुड़ाकर पावन न करे तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य की लोथ छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी इसराइल में से नाश किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहे व उसमें जाए वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना न लगा हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को अपनी मृत्यु से मरे हुए को व मनुष्य की हड्डी को व किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए, तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के और हड्डी के व मारे हुए के व मृत्यु से मरे हुए के व कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। और जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मंडली के बीच में से नाश किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे,
और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे।